बिहार में महागठबंधन के सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया और फिर भी आरजेडी ने अपने कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी दिल्ली में हैं। अब तक सहमति नहीं बनी है। जिन सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है उसमें औरंगाबाद, बेगूसराय, कटिहार, सिवान, पूर्णिया शामिल है और आरजेडी ने औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को सिंबल तक दे दिया है। कांग्रेस यही सीट मांग रही है। बेगूसराय सीट पर भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में मामला फंसा हुआ है। पूर्णिया सीट कांग्रेस पप्पू यादव के लिए चाहती है लेकिन आरजेडी बीमा भारती को यहां से उतारना चाहती है। वहीं सिवान सीट की बात करें, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में यहां मामला फंसा हुआ है। जब सब ठीक है तो आप लोग जबरदस्ती का कुछ बोलते हैं। कांग्रेस को लेकर के कहा जा रहा है कि बातचीत नहीं आगे बढ़ रही है। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, अगर हो जाएगा सर, गठबंधन रहेगा सर लोकसभा चुनाव में? गठबंधन रहेगा सर? गठबंधन रहेगा आरजेडी कांग्रेस का? आपको डाउट है? आपको डाउट है तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं कि यहाँ स्वार्थों के आधारित राजनीति होती है। अब ग्रैंड अलायंस है कहाँ? बिहार में खत्म है। कांग्रेस शायद लाचार दिख रही है और इसी कारण है कि बिना कांग्रेस से पूछे उन्होंने लिफाफा हर कैंडिडेट को दे दिया। तब कांग्रेस पीछे पीछे कह रही है मैं ये लड़ूंगा वो लड़ूंगा। लड़ने की हिम्मत नहीं है लालू यादव से।